पुओ पाई मां आखिरे लुह न्याय अपेक्षा रे पूरा परिवार दुर्घटना नुहे पुओ को करा जाइछि हत्या। कुजंग थाना रे करथिलु। कुजंग थाना वाला किछि रेस्ट करलेनि। एटु ये कोर्ट रे केस करके पठेलु। कोर्ट रे केस एबे पेंडिंग अछि। ताकु षडयंत्र करिकि न्याय हेकरि एटा सुपारी कल्पित हत्याकांड। एटा कुजंग पुलिस विरोध रे आसिला सांघातिक अभियोग। हत्या को दुर्घटनार रूप देइथिबा अभियोग। रोजगारिया पुअर मृत्यु को सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंति कुजंगर रमाकांत दास को परिवार। बर्षे हेला कुजंग पुलिस रो तदंत सरिनि आउ एपटे न्याय पई अपेक्षा सरु नाही। ए हौछंती रमाकांत दास को सानो पुअ अमृत दास। मेकानिकल इंजीनियरिंग परे पारादीप रे चाकरी करूथिले। 20 जुलाई 2019 रे तांकू तांको घरु किछि युवक नै जाइथिले। परे खबर आसिला तीर्तोल थाना बालीपाटणा निकट रे अमृतंकर दुर्घटना होईछि। परिवार लोके डाक्टर खाना रे अमृतंकु मृत पाइले। पुलिस कहिला दुर्घटना रे अमृतंकर मृत्यु होईछि। एक स्वीकृति पत्र रे अमृतंक बापांक एनै दस्तखत भी नियागला। हेले परिवार लोकंकर संदेह बढ़िला। बाइक जे चलाउथिला तांकर किछि होइनथिला। परिवार लोके एहा दुर्घटना नुहे सुनिश्चित हत्याकांड बोली अभियोग करी कोर्ट को द्वारस्थ हेले। कोर्ट को निर्देश रे कुजंग पुलिस मामला दायर करिछि। हेले तदंत आगेइ पारुनि। परिवार लोके अभियोग करिछन्ति पूर्व शत्रुतारु हत्या करा जाइछि अमृत दास को। ठीक न्याय सरकार दियंतु आउ ता आत्मा को जेंति शांति पाइबो। मु बहुत गरीब लोक आउ मो आत्मा जेंति बुझिला भलिया मते जति किछि न्याय न मिलिबो आउ ताहले मु मुख्यमंत्री घर आगरे आत्माहुति देबि आउ एवं तांग लिखित आकार देले ना एटा पुक मार दिजिनि आपण एटा इन्वेस्टिगेशन करंतु से कलेनि। आमे घर जेतु नै छथि कुजंग कोर्ट रे आमे केस फाइल करकि कुजंग थाना पठेलु। ଏଇଟା 8-9 ମାସ ହେଲାଣି କୁଜନ ଥାନାରେ କେସ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା? କାହିଁକି କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଚୁପ ବସିଛି? ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି କି ପୋଲିସ? ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ ଅମୃତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି କି ପୋଲିସ? ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି? ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି କି? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି? ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହୋଇଛି କି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅମୃତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁ ବାହାନ ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।